मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते सौ वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते सवा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे, ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी है। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप
पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स या गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धि ही, विश्वास है न सिद्धि ही, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है।
हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सीरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है, तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक,
इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया में, मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए, स्वाभाविक है। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में
किस तरह की कठिनाइयां आती हैं ये भी उनके ध्यान में आने लगा, उनको पता चला। पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में दो सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो, इसके लिए 1 मई के पहले वाली यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत 1 डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित,
उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः, अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का
हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सब से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।